हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी प्लांट रिप्रोडक्शन, और हम उसमें बेटा जी बातें कर चुके हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे वहाँ पे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उसकी बातें की थी। फिर हमने बातें की थी बेटा जी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे हमने बातें की थी कि वहाँ पे ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल जो होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी एम्ब्रियो सैक, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। ये सब बातें आप लोगों ने कर ली थी। फिर आपने टॉपिक पढ़ा था बेटा जी पोलिनेशन, जहाँ पे आपने बात की ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। फिर आपने बात की थी बेटा जी टाइप ऑफ द पोलिनेशन की, मे बी वो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। क्रॉस में फिर आप लोगों ने दो कंडीशंस की बातें की है, या तो वो जिंटोगैमी होगा या फिर वो जिनोगैमी होगा। ये सब बातें आपने की। फिर आप लोगों ने बेटा जी बातें की थी कि सर पोलिनेशन होगा तो उसे कोई करवाने वाला होगा यहाँ पे, तो आपने बातें की थी अबाउट द पोलिनेटिंग एजेंट की, तो एबायोटिक हो सकता है, बायोटिक हो सकता है। ये सब बातें आप कर चुके। फिर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बेटा जी फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे आपने ये कहा था सबसे पहला इंटरेक्शन होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, या सबसे पहले स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा वेदर पोलन सही टाइप का है या नहीं है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे बेटा जी इंट्रैक्शन होता है विद इन द स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द एंजाइम एंड ऑन द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा। उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, उसमें डिसाइड किया जाएगा, ये पहचाना जाएगा वेदर पोलन सही टाइप का है या नहीं, और अगर वहां पे मैचिंग परफेक्ट होती है तो स्टिग्मा वहां पे स्पेसिफिक केमिकल्स को निकाल के बेटा जी अलाउ करेगा ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब को। That's why आपने कहा था कि the pollen tube की growth होती है, वो होती है chemotropic in the nature, और वो बेटा जी आपके ovary में enter करके बेटा जी through the micropyle end, वो बेटा जी enter करेगा आपके बेटा जी ovule में, ovule में वो enter करता है through the synergid cell, और आपने कहा था जैसे pollen tube synergid cell से बेटा जी collide करेगी, वो burst होगी, वो अपने cytoplasm को बेटा जी release कर देगी within the synergid cell, और फिर वो जाके बेटा जी fuse करेगा one male gamete with the egg cell and the another male gamete with the central cell or the pollen nuclei। फिर आपने कहा था दो चीज बनती है, तो इसलिए आपने कहा था सर ये double fertilization, one of the male gamete fuse with the egg cell to form the zygote and the another male gamete of the same pollen grain fuse with the central cell to form the primary endosperm cell। अब आप लोगों ने कहा था सर ये जो PEC बनी थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बनी थी वो अपने आप को डिवाइड करके बेटा जी यहाँ पे बनाएगी एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म यहाँ पे दो टाइप के हमने बातें की है, आइदर वो होगा सेलुलर, आइदर वो होगा न्यूक्लियर। और यहाँ पे बड़ा बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी यहाँ पे कि जो आप कोकोनट खाते हो उसका जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो वो क्या है, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो पानी पीते हो आप नारियल का बेटा जी वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये सब बातें थी बेटा जी। अब पॉइंट आता है कि सर हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, हमने एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ लिया, और फिर मैंने आपको एम्ब्रियो के बारे में बातें की थी। एम्ब्रियो दो प्रकार का बनता है, या तो होता है बेटा जी आपका यहाँ पे मोनोकॉट एम्ब्रियो या फिर आपका होता है डाइकॉट एम्ब्रियो, वो दोनों मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाई। अब छोटे छोटे वर्ड आते हैं जो आपके लिए हम और बातें करते हैं कि कई बार एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि वर्ड क्या होता है, तो मैं कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अब उन वर्ड्स को डिफाइन करूंगा बेटा, उन वर्ड्स को देखिएगा। पहला वर्ड क्या आता है, आपने बेटा जी मोनोकोट एम्ब्रियो को बनाया था, मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं, इस तरह से आपने कहा था सर एक ही मोनोकोट में एक ही कोटलेडन होता है, तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाया था बेटा जी। आपने कहा था सर ये जो है ये कहलाता है कोटिलीडन, सर ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम कह सकते हैं प्लूम्यूल है, या इसे हम बोलते हैं सूट का एपेक्स। सर ये वाला जो पार्ट है हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ये रेडिकल है और ये रूट की कैप बनने वाली है। आपने कहा था सर इस हिस्से का नाम होता है एपिब्लास्ट, और इसके बारे में आपने कहा था रिमेनिंग्स ऑफ द सेकेंडरी कोटिलीडन्स, इसके बारे में आपने डिफाइन किया था रिमेनिंग ऑफ सेकेंडरी कोटिलीडन इन मोनोकोट। जैसे मैंने आपसे पहले बातें की थी, अगर हम कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन को समझे
तो मोस्ट रिसेंट प्लांट जो है वो है बेटा जी मोनोकोट, मतलब डाइकोट से इवोल्व होके आया है। तो अगर दूसरा कोई बेटा जी कहीं पे था डाइकोट में, तो वो यहाँ पे था बेटा जी, उसकी जगह पे छोटा सा रिमेनिंग बच गया, उसके लिए बड़ी यूज किया है बेटा जी एपिब्लास्ट। ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपरली बेटा जी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया। अब मैं यहाँ पे तीन वर्ड्स की आपके साथ बातें करूँ, तीन वर्ड्स को आपको समझना है। पहला वर्ड बेटा जी स्केटुलम, द कोटिलीडन ऑफ द मोनोकोट, द कोटिलीडन ऑफ द मोनोकोट इज ऑल्सो नोन एज स्केटुलम। तो अगर पेपर में आ जाए वर्ड के स्केटुलम क्या है, तो कहोगे द कोटिलीडन ऑफ द मोनोकोट, या मैं कहूंगा ग्रासेस में घास जो होती है उसमें जो कोटिलीडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे स्केटुलम, द कोटिलीडन ऑफ द ग्रासेस, और अच्छी लाइन बोलते हैं यहाँ पे कोटिलीडन ऑफ ग्रासेस इज नोन एज। तो ये कोई अलग वर्ड नहीं है, उसी का एक और काम बातें कर रहे हैं यहाँ पे कोटिलीडन को लेकर। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है, कई बार आ जाता है आपके एग्जाम में। अगले वर्ड को समझो बेटा जी, मैंने यहाँ पे प्लूमिल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रखी है बेटा जी। ये प्लूमिल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा जी, इसको बोलते हैं कोलेक्ट्राइल। तो कोई पूछे आपसे क्या है, तो आप कह देना बेटा जी क्या है प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर सूट एपेक्स इन मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट के एम्ब्रियो में ही है बेटा जी, डायकोट में मैंने ऐसा कोई चीज आपसे बात नहीं करूंगा। ये बातें सिर्फ और सिर्फ बेटा जी मोनोकोट को लेके हो रही है, ये बातें आपको याद रखनी है। ये बेटा जी कैसी है, तब कहोगे इसका सर कलर कैसा होता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। आप अभी सर्दियों के अंदर बेटा जी जब गेहूं को बोया जाए, तो आप लोग अगर पॉसिबल हो तो खेतों में जाके देखना, जब गेहूं बेटा जी ग्रो होते हैं तो बाहर जब निकल के आते हैं तो बिल्कुल एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, अंदर पत्ते इंक्लोज रहते हैं, क्योंकि वो रूट को जब क्रॉस करके ऊपर आता है तो सूट का एपेक्स डैमेज ना हो जाए। मेरे वर्ड को सुनना, जब वो सोइल को क्रॉस करता हुआ ऊपर आता है तो कहीं वो डैमेज ना हो जाए सूट एपेक्स, तो इसलिए उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा जो कोलेक्टाइल है। मोनोकोट के केस में ऐसा होता है बेटा जी, पर जैसे ही पत्ता बाहर आ जाता है वो ऐसे ग्रो करता है, उसके बाद ही कोलेक्टाइल रैप्चर होता है, इसके अंदर से बेटा जी लीव्स निकलते हैं। ये चीज आपको गेहूं के अंदर बड़ी कॉमन दिखाई दे सकती है, अगर आप अपने आसपास में कहीं पे गेहूं को ग्रो करता हुआ देखोगे तो बड़ा इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास के लिए बेटा जी। ओके, ऐसे ही बेटा जी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रूट के ऊपर भी होती है, उस कवरिंग का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे कोलेराइजर। तो कोई पूछे आपसे सर कोलेराइजर क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी क्या है प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ओवर रेडिकल एंड रूट कैप। ये बातें होती है। अब अगला वर्ड आता है यहाँ पे, चलिए और वर्ड बाद में आएंगे यहाँ पे, बट ये तो तीन वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेटा जी आपका स्केचुलम, कोलेक्टाइल एंड कोलेराइजर। ये तीनों वर्ड बेटा जी रिगार्डिंग द एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में आते हैं, बट तीनों वर्ड बेटा जी मोनोकोट में आते हैं, डाइकोट में वर्ड नहीं आए थे। तो बेटा जी ये वर्ड अगर पूछ लेते इस डायग्राम का लेबल कर सकते हो, और ये सब बातें बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हैं आपको। चलिए दोबारा से दोहरा रहा हूँ बातें बेटा जी, यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, स्केटुलम बोलते हैं मोनोकोट का या ग्रासेस का जो कोटिलीडन है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे स्केटुलम बोलते हैं। जो बेटा जी रेडिकल के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग उसका नाम कोलेराइजा होता है, ये नॉन ग्रीन होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। जो प्लूमिल के सूट एपेक्स के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको बोलते हैं कोलेक्टाइल, ये हमेशा ग्रीन होती है, ये हमेशा फोटोसिंथेटिक होती है। ये बात ही आपके पास याद रखनी है। एपिब्लास्ट के बारे में कोई पूछे आपसे तो आप कह सकते हो एपिब्लास्ट क्या है बेटा जी यहाँ पे द रिमेनिंग्स ऑफ द सेकेंडरी कोटिलीडन दैट इज प्रेजेंट इन द मोनोकोट एम्ब्रियो। ये सब बातें हमने पढ़ी थी, बस कुछ नई नई बातें हमने और जाननी है। अब मैं बेटा जी अगले वर्ड पे आता हूं अबाउट द सीड, तो उसको समझने के लिए हम बातें करेंगे बेटा जी
आपके साथ में ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं बेटा जी, तो देखिएगा जरा। आप लोग ने ऐसा कहा था बेटा जी कि सर इस तरह से हमारा ओव्यूल का डायग्राम है और इस डायग्राम में ये जो है बाहर ये है आउटर इंट्यूबमेंट और इसके अंदर जो होता है बेटा जी वो होता है इनर इंट्यूबमेंट। तो इसके बारे में लेबल करूंगा ये है बेटा जी आउटर इंट्यूबमेंट, ये जो है बेटा जिसको हम बोलते हैं इनर इंट्यूबमेंट। आपने कहा था सर ये अंदर है एम्ब्रियो सेट जिसमें आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अब एम्ब्रियो बन चुका है, तो आप ऐसे कह सकते हो सर ये कोई एम्ब्रियो है। मैंने डाइकोट का ऐसे एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि यस ये एम्ब्रियो है, ठीक है। आपने कहा सर ये इस तरह से यहाँ पे फ्यूनिकल जुड़ा हुआ कर इस तरह से हमारा ओव्यूल था। जरा सोच के देखो अभी जो एम्ब्रियो के एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा जी 7 cell 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बैठा होता है, यानी कि मैं वो डायग्राम भी बना होता हूँ कुछ ऐसा कह सकता हूँ। इसके अंदर पहले क्या था, जब आपने ओव्यूल का डायग्राम पढ़ा था आपने ऐसा कहा था कि यहाँ पे सर तीन तो हमारी एंटीपोडल सेल है, फिर आपने कहा था सर इस तरह से यहाँ पे हमारी बेटा जी दो पोलर न्यूक्लियस बैठी है, सेंट्रल सेल है एग का बेटा जी, ये सिनर्जिड सेल है ये बेटा जी, यहाँ का प्रैक्टिस कर आपने कहा था पोलन ट्यूब जब आई थी तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे बना था बेटा जी आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट और यहाँ पे जब मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो आपने कहा था ये बन गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो जरा सोचिएगा इस सेल ने बेटा जी बना दिया एंडोस्पर्म, अब वो जो एंडोस्पर्म बना उसको यूज किया बेटा जी जायगोट ने ताकि एम्ब्रियो को बना सके। तो अब आपने कहा सर ये सब सेल डीजनरेट यहाँ पे हो गई और यहाँ पे बन गया था एंडोस्पर्म, उस एंडोस्पर्म को यूज करते हुए जायगोट की सेल ने बेटा जी अपने आप को डेवलप करके क्या बना दिया बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रियो को बना दिया। पहला पॉइंट, तो आप ये कहोगे सर सीड क्या है, तो मैं कहूंगा एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही क्या है, सीड है। पहले वर्ड को समझ के देखो सीड क्या है, तो आप कहोगे सीड क्या है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है बेटा जी एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियो बन चुका है, हम उस ओव्यूल को क्या कहेंगे यहाँ पे सीड कहेंगे। बट सर सीड तो बड़ा टफ होता है और सीड के बाहर तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं वो तो सीड कोट होती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। और सीड कोट हमेशा कैसी होती है बेटा जी बाई लेयर होती है, हमेशा सीड को डबल होती है। तो जरा सोचिएगा जैसे ही बेटा जी एम्ब्रियो सेक के अंदर एम्ब्रियो बन के तैयार हो गया बेटा, जब क्या हुआ ये जो आउटर और जो इनर इंट्यूबमेंट थी बेटा जी, या मैं कहूंगा इस ओव्यूल ने क्या किया बेटा जी यहाँ पे वाटर का लॉस किया, तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल लॉस वाटर अप टू 80 to 85%, वो बेटा 80 to 85% तक पानी का लॉस करेगा। अब जरा सोचो पानी का अगर लॉस करेगा तो चीजें यहाँ पे कैसी होंगी, टफ होंगी। तो मैं कहूंगा इसकी वजह से क्या होंगी, पहला चेंज बेटा जी इंट्यूबमेंट बिकम हार्ड, इस पानी के लॉस करने की वजह से ये जो बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग थी और ज्यादा क्या होगी बेटा जी यहां पे हार्ड हो गई, ये पहला चेंज हुआ। सेकंड बेटा जी अब आप कहोगे सर यहां पे ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो करना चाहेगा बट ग्रो करने के उसे बेटा जी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, बट यहां से जब आपने पानी निकाल दिया तो सर यहाँ पानी नहीं होगा, फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां पे टेक प्लेस करेंगे, जब सेल के साइटोप्लाज्म में पानी ही नहीं है, 80 to 85% आपने पानी का लॉस करा दिया, तो मैं कहूंगा कंडीशन अनफेवरेबल होगी मेरे भाई। तो मैं कहूंगा अब वो नॉट एबल टू डिवाइड, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे इसकी वजह से एम्ब्रियो एंटर इनटू डोरमेंट फेज। ये क्वेश्चन में किस तरह से पूछ रहा हूं जरा समझना भाई, कोई भी सीड आपके घर में रखा हुआ है क्या वो ग्रो कर रहा है, मेरे पॉइंट को समझो अच्छे से मैं क्या समझा रहा हूं। कोई सीड आपके घर में रखा हुआ है उसके अंदर एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो को तो ग्रो करके बेटा जी नया प्लांट पैदा करना चाहिए, बट क्या वो सीड ग्रो कर रहा है,
नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो आपका आंसर होगा सर उसको वहां पे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रही। मैं कहूंगा कंडीशन क्या नहीं मिल रही है, आप जब खेतों के अंदर बेटा जी ग्रो करते हो तो क्या करते हो, पहले पानी देते हो, मॉइस्चर देते हो, फिर वहां पे आप सीड का स्प्रे करते हो। तो पॉइंट वही आता है कि भाई इसके पास पानी नहीं है, सेल के पास साइटोप्लाज्म ही प्रॉपर नहीं है, तो मैं कहूंगा मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पा रहा है बेटा जी वहां पे। तो मैं कहूंगा ये जो 80-85% पानी का लॉस केस फर्टिलाइज्ड ऑयल में, इसकी वजह से बेटा जी ये जो इंट्यूबमेंट है वो तो हार्ड हो गई, एंड जो एम्ब्रियो था वो बेटा जी डोरमेंट फेज में एंटर कर गया, और जब हम उसे वापिस ये पानी देंगे तो ही वो सीड क्या करेगा बेटा जी, ग्रो करेगा। मेरे पॉइंट को समझना बेटा जी। तो मैं कहूंगा बेटा जी क्या हुआ यहाँ पे, ड्यू टू दिस वॉटर लॉस ये दो कंडीशन हो गए बेटा जी। और मैं कहूंगा बेटा जी फर्टिलाइज ओव्यूल become seed. तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन। तो सिंपल बोलोगे बेटा जी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो द ओव्यूल लॉस वाटर अप टू 80-85%, मैं कहूंगा और अच्छी लाइन बोलते 85-90% पानी का लॉस कर देगा। मैं कहूंगा बेटा जी अच्छी सी बात करते हैं तो नॉट 80, मैं कहूंगा भाई स्टार्टअप और अगर हम एक्यूरेट करते हैं हम कहेंगे 85-90% पानी का लॉस कर देगा। अब 10-15% पानी बचा है जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन वो नहीं हो पाएंगे तो ये एम्ब्रियो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। अब जब इस एम्ब्रियो को वापस ये पानी दोगे तो ये ग्रो करेगा। तो अब ये एम्ब्रियो डोरमेंट फेज में, कौन सा फेज बच्चा, डोरमेंट फेज में एंटर कर चुका है, नॉन डिवाइडिंग फेज में बेटा जी एंटर कर चुका है। दैट्स द पॉइंट जो आपको समझना है। अब पॉइंट आता है सर ये जैसे ये सीड बनेगा, अब हम इनको यहाँ पे इंट्यूबमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अभी सीड कोट बन गई है, तो नाम क्या रखा जाएगा, आउटर इंट्यूबमेंट इज नोन एज टेस्टा। आउटर इंट्यूबमेंट का ही नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, टेस्टा है, एंड द इनर इंट्यूबमेंट इज नोन एज टेग्मा। तो जरा पॉइंट को समझो, मैं कहूंगा सीड कोट बेटा जी बाइलेयर है, तो मैं कहूंगा बाइलेयर में दो बातें आती है, या तो आउटर है बेटा या फिर वो इनर है बेटा। आउटर वाले का नाम होता है टेस्टा और इनर वाले का नाम होता है बेटा जी टेग्मन। तो सीड कोट कैसी है भाई, बाइलेयर है, मतलब जो मैंने यहां पॉइंट लिखा है कि इंट्यूबमेंट सॉरी कि भाई इंट्यूबमेंट जब वही हार्ड होकर सीड कोट बनी है बेटा, तो मैं लिख दूंगा बेटा जी इंट्यूबमेंट बिकम हार्ड एंड बिकम सीड कोट। सीड कोट यही है बेटा जी, कुछ अलग नाम नहीं है। तो इंट्यूबमेंट ही क्या बनी है बेटा जी, आपकी सीड कोट बनी। आई थिंक ये वर्ड क्लियर हो रहा होगा। अब एक बात को समझ के देखिएगा सर, एम्ब्रियो सैक के बाहर जब हमने ओव्यूल पढ़ा था, हमने वर्ड बोला था न्यू सेलस प्रेजेंटस, जो न्यूट्रेटिव इन द नेचर होता है, और जब यहां पे ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ उस टाइम पे न्यू सेलस ने न्यूट्रिशन दिया था। कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटा जी जब मैंने आपको ओव्यूल पढ़ा था प्लीज उस लेक्चर को दोबारा देखो, या बेटा जब एक बार नोट्स को पलट के देखो न्यू सेलस क्या थी, दीज आर द न्यूट्रेटिव सेल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, और जो फीमेल का गैमेटोफाइट बनता है उसे न्यूट्रिशन देने का सारा काम कौन करता है, बच्चा न्यू सेलस सेल करती है। अब ये भी तो हो सकता है सर अभी तक जो बाहर की न्यू सेलस सेल खत्म ना हुई अभी भी प्रेजेंट हो, रखूंगा बिल्कुल बेटा जी। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी रिमेनिंग्स ऑफ द न्यू सेलस रिमेनिंग ऑफ न्यू सेलस इन ए सीड इज नोन एज पेरिस्पोर। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड जाना था एपिब्लास्ट द रिमेनिंग ऑफ द सेकेंडरी कोटिलीडन इन द मोनोकोट प्लांट, वैसे मैंने वर्ड बोला रिमेनिंग ऑफ द न्यू सेलस सेल, वो डायकोट भी हो सकता है मोनोकोट भी हो सकता है, अगर वो रिमेनिंग रहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पेरिस्पोर। आप कहोगे सर एग्जांपल, तो मैं कहूंगा देखिए बेटा बड़ी कॉमन एग्जांपल है, हाँ ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर, कपास,
काली मिर्च, ब्लैक पेपर कह सकते हो, बेटा जी कॉफी कह सकते हो, कैस्टर कह सकते हो, दीज आर द एग्जांपल्स जिनमें न्यूसेलस सेल रिमेन रहती है सीड में, हम कहते हैं वो कहलाता है बेटा जी पेरिस्पर्म। तो ये वर्ड अगर कोई पूछे तो उसको आपको समझना है। अब एक वर्ड और आता है बेटा जी, वर्ड क्या आता है उसको जरा समझते हैं। ये वर्ड भी क्लियर हो गए। अब एक वर्ड क्या आता है बेटा जी, दो प्रकार के बेटा जी, आइदर वो एंडोस्पर्म पूरा यूज हो गया होगा या वो पूरा यूज नहीं हुआ होगा, दो तरह की बात होगी। तो मैं कहूंगा बेटा जी एक का नाम रखा जाएगा यहाँ पे एंडो स्पर्मिक सीड, या हम उसको कहते हैं बेटा जी एल्ब्यूमिनस सीड। तो कहीं आपसे डेफिनेशन पूछे कि सर इसका क्या मतलब है, तो सिंपल से वर्ड कहोगे एनी सीड इन विच एंडोस्पर्म रिमेन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, सीड इन विच एंडोस्पर्म प्रेजेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद भी अगर एंडोस्पर्म बच जाता है तो मैं ऐसे सीड को क्या कहूंगा, एंडोस्पर्मिक। आप कहोगे सर एग्जांपल, तो कहूंगा बड़े कॉमन एग्जांपल है बेटा, आप वीट को खाते हो, मेज को खाते हो, राइस को खाते हो, बार्ले खाते हो, कैस्टर, अब बेटा जी आपका कोकोनट, दीज आर द एग्जांपल जिनमें बेटा जी आपका यहां पे एंडोस्पर्म रह जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड। याद रखना बेटा जी यहां पे पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता, ये एग्जांपल थे। यहीं पे मैं एक और बात करूंगा, सर अगर पूरा यूज हो गया हो तो मैं कहूंगा वहां पर एक और वर्ड आता है बेटा जी, क्या वर्ड आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या उसे हम कहेंगे बेटा जी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इसके बारे में क्या कहेंगे बेटा जी, सीड इन विच एंडोस्पर्म get consumed in embryo formation, embryo formation में ही अगर सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाए तो मैं ऐसे सीड को कहूंगा बेटा जी नॉन एंडोस्पर्मिक, किया मैं कहूंगा बच्चा उसे नॉन एल्ब्यूमिनियस। अब आपकी बात ही आती है सर इसका एग्जाम्पल बताइएगा, तो मैं कहूंगा बेटा जी बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है पी ग्राउंड नट, आप कह सकते हो ग्राम, कह सकते हो बेटा जी बीन्स, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो बड़े कॉमन से एग्जांपल है। यहां पे बेटा जी कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज हो जाता है इन द बेटा जी एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है मेरे भाई। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द सीड, क्या क्या बातें होती है, सीड कैसे बनता है, क्या क्या उसके लिए वर्ड आते हैं, ये सब बातें उसके रिगार्डिंग में थी, जो बातें हमारे यहाँ पे खत्म होती है। अब अगला टॉपिक क्या आता है, तो अगले टॉपिक की बातें करूंगा बेटा जी अबाउट द फ्रूट। इस फ्रूट के बारे में कुछ बातें और कर लेते, छोटा सा टॉपिक है फ्रूट के बारे में। सिर्फ फ्रूट क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ओव्यूल राइपन होके बन गया बेटा जी आपका सीड, और एक जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी क्या बनेगी फ्रूट बनेगी, और ओव्यूल क्या बना सीड बना। तो पॉइंट आता है बेटा जी यहां पे सर फ्रूट कैसे कैसे, तो मैं तीन वर्ड यूज करूंगा फ्रूट के लिए बेटा जी, पहला ट्रू फ्रूट, पॉइंट को समझना बेटा जी
develop only from ovary after fertilization. और fertilization होने के बाद में ovary जो है उससे बेटा जी fruit develop होता है, ऐसा fruit है बेटा जी true fruit. अगला वर्ड आता है बेटा जी false fruit. In fruit formation, in addition to ovary, ovary तो use होगी होगी बेटा जी. In addition to ovary, other part like thalamus also get involved. कि भाई हमने डेफिनेशन में कहा कि फ्रूट जो है ये ओवरी से डेवलप होता है. अब यही डेफिनेशन सूट होती है कि यस फ्रूट इज ए राइपन ओवरी. तो अगर एक फ्रूट राइपन ओवरी है तो ऐसा फ्रूट क्या है बेटा जहां पे ट्रू फ्रूट है. बट अगर उस ओवरी के साथ साथ वो जो थैलेमस वाला पार्ट था जिसमें कि एक्चुअली ओवरी रखी हुई थी वो भी यूज हो गया फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो मैं कहूंगा वो फ्रूट बनेगा फॉल्स फ्रूट. और बड़ा कॉमन एग्जांपल है बेटा जिसका यहां पे जो आपको समझना है, एप्पल. जिनके अंदर बेटा जी यहां पे ओवरी के अलावा क्या यूज होता है, थैलेमस का पार्ट भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में. ऐसे फ्रूट है फॉल्स फ्रूट. बहुत बार बेटा जी आपके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द फॉल्स फ्रूट, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने बेटा जी. अब एक पॉइंट आता है थर्ड बेटा, तीसरी टाइप का जो फ्रूट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ये बातें मैंने आपके साथ की थी इन द केस ऑफ द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले केस में बेटा जी, आपके हॉर्मोन्स वाले केस में बातें की थी. फ्रूट दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दीज आर सीडलेस फ्रूट. मतलब पॉइंट को समझो सर, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ओव्यूल जो होगा वो सीड बनेगा, ओवरी जो वो फ्रूट बनेगा. बट मैंने कहा भाई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो मतलब ओव्यूल तो सीड बना ही नहीं, तो कहूंगा वो क्या बेचा आपके यहां पर सीडलेस फ्रूट. आप कहोगे बेटा जी ओकर डू टू इंबैलेंस ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स. जो प्लांट के हॉर्मोन है लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये सब कंडीशन आपने पढ़ी थी उनके अंदर भी वो ऐसा काम करते हैं. एग्जाम्पल आपको बताते हैं नेचुरल का, बनाना लिखना क्या नाम आपको पता है भैया जी, बनाना. केला में कभी आपने सीड खाए हैं क्या? आप ऐसा कर सकते हो घर पे, केला को बेटा जी बीज से फाड़ के देखना, बीज के अंदर एक ब्लैक स्ट्रिप निकले जिस पे व्हाइट डॉट 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 होंगी, वो सब के सब है बेटा जी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल. अगर केला को बेटा जी बीज से ऐसे फाड़ के देखोगे लॉन्ग टूडल वे में बेटा जी, तो अंदर एक ब्लैक स्ट्रिप निकलेगी, उस ब्लैक स्ट्रिप आपको दिखाई देगी व्हाइट डॉट 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 है बेटा जी, वो सब के सब अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, मतलब सीड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक बनाना जो है बेटा जी डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब बनाना एक नेचुरल एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का. वैसे हमने आर्टिफिशियली तो आजकल लेमन को बना दिया, ऑरेंज भी आती है मार्केट में जो विदाउट सीड होती है. तो ये था बेटा जी अबाउट द फ्रूट. तो हमने सीड को जाना इस वीडियो बेटा जी, और अब द फ्रूट जाना. अब एक वीडियो और बनाऊंगा प्लांट के ऊपर जिसमें हम बातें करेंगे कुछ बेटा जी यहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स जो एलर्जी कॉज कर देते हैं स्मॉल साइज वाले, मैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा. एक बेटा जी टाइप ऑफ द ओव्यूल्स की बात करूंगा यहाँ पे कि छह प्रकार के ओव्यूल होते हैं, जो पुरानी बातें उनको थोड़ा कनेक्ट करेंगे. और एक टॉपिक और जानेंगे बेटा जी यहाँ पे एपोमिक्सी, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा. तो एक वीडियो और आएगा बेटा जी ऑन द प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसके साथ बेटा जी हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा. इस वीडियो में सीड और फ्रूट के बारे में बातें कर लिया.
चलिएगा। थैंक यू बेटा।